आइए अब हम संख्याओं को वर्ग करने की एक और विधि के बारे में पढ़ते हैं। इस विधि का नाम है अनुरूपेण विधि। अनुरूपेण विधि। यहां पर आपकी पुस्तक में जो उदाहरण दिया हुआ है वो 27 नंबर का उदाहरण है, उदाहरण 27, और इसमें जो संख्या दी हुई है वो है 64। आपको 64 का वर्ग करना है। यहां पर जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया है वहां पर इन दोनों संख्याओं को दो हिस्से में बांट दिया है। 64, एक भाग इसका 6 है और दूसरा भाग 4 है, और ये कह रहा है कि ये इकाई का हिस्सा है और ये दहाई का हिस्सा है। और इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो बात कह रहा है, तरीका जो बताया जा रहा है वो इस तरह का है कि हम यहाँ पर तीन खंड प्राप्त करेंगे। जो पहला खंड होगा वो इसके वर्ग के रूप में होगा, तो 4 का वर्ग यहाँ हम लिखेंगे, और जो बीच का हिस्सा होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का दुगना होगा, यानी 6 × 4 और फिर इनका दुगना। और जो ये जगह होगी वहां पर हम लिखेंगे पहली वाली संख्या, मतलब 6 का वर्ग। इस तरह से हम इसको यहां लिख रहे हैं। और जब परिणाम हमको मिलेगा उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि ये केवल इकाई के स्थान होगा, और यदि यहां पर एक से अधिक संख्याएं प्राप्त हो रही हैं तो उसमें एक दहाई होगी, और इसको हमको यहाँ शिफ्ट करना होगा, यहाँ ट्रांसफर करना होगा, और ये पूरा का पूरा जो परिणाम हमको प्राप्त होगा वो केवल उसमें से हम दहाई का अंक लेंगे। हालांकि ये पूरी की पूरी दहाइयाँ होंगी, लेकिन अगर दहाई 9 से अधिक होती है इसका मतलब उसमें एक सैकड़ा भी शामिल हो जाता है, तो उस सैकड़े को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पक्षांतरित करेंगे, हटाएंगे वहाँ से। तो आप देखिए हमको क्या क्या संख्याएँ मिल रही है। हम 4 का वर्ग किए तो यहाँ पर इस खंड में हमको मिला 16, जिसमें 6 इकाइयाँ और एक दहाई है, तो दहाई यहाँ भेजनी होगी हमको। और यहाँ देखिए 2 × 6 = 12, 12 × 4 यानी 48। इस 48 में 48 दहाइयाँ तो हैं, लेकिन 8 दहाइयों के साथ 4 सैकड़ा भी है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और तीसरी संख्या जो मिल रही है वो सैकड़े में, वो 6 का वर्ग है जो 36 के बराबर है। यहाँ 36 सैकड़े हैं जिसमें 6 सैकड़ा और 3000 है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अगली बार जब हम लिखेंगे तो ये जो एक है वो इस खाने में चला जाएगा और 48 के साथ जुड़ के 49 हो जाएगा। और अगली बार जो अगला जो पद होगा उसमें ये जो 4 है या जो हमको नई संख्या यदि मिलती है तो उसमें से ये वहाँ आगे चला जाएगा और हमको परिणाम मिलेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर लिख के देखते हैं क्या मिलता है। एक बार फिर से इसको लिख लें। हमें तीन हिस्से मिले हैं, पहली सबसे बाईं तरफ 36, बीच में 48, और यहाँ पर हमें मिला है 16। और हमको मालूम है कि यहाँ से एक एक संख्या हमको एक जगह रखनी है, तो यहाँ से इस एक को हमने हटाया और यहाँ ले लिया उसको, और यहाँ एक को लाने पर 49 हुआ, तो यहाँ से 4 को हम यहाँ लेके जाएंगे, तो हमारी नई परिस्थिति बनेगी इस तरह से। यहाँ हमें मिला 36, यहाँ 48 था जो एक के साथ मिलकर 49 हुआ, यहाँ केवल 6 बचेगा, यहाँ पर 8 था और ये एक यहाँ आके जुड़ गया। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि ये हुआ 49, और इस 49 में से ये 4 यहाँ चला जाएगा, तो ये नई स्थिति मिलेगी 36 × 4। 36 × 4 यहाँ लिख लें हम, 36 × 4, और यहाँ हमें 4 के भेज देने के बाद यहाँ सिर्फ 9 बचा और यहाँ बचा सिर्फ 6, और यहाँ हमको मिल रहा है 40। तो अब हम परिणाम लिखेंगे, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 40, 4096। ये हमें जो परिणाम मिला वो बताता है कि ये 64 का वर्ग है। एक बार फिर से इन चीज़ों को आप गौर से देखिए। यहाँ हमने जो संख्या दी हुई थी 64, उसे हमने दो हिस्से में लिखा, एक तरफ 6 और 4, यानी हमने उसकी इकाई और दहाई को अलग अलग कर दिया। और जब हम इसको हल कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं यहाँ संख्या इकाई की संख्या का वर्ग, हमने 4 का वर्ग लिखा, और यहाँ हमने दोनों संख्याओं को गुणा करके उसका दुगना किया, और यहाँ हमने ये जो दूसरी संख्या थी जिसको हम 6 के रूप में यहाँ देख रहे हैं उसका वर्ग किया, और इनको फिर हम हल करते गए। हमने केवल इतने ध्यान रखा कि हर स्थान पर केवल एक अंक होगा, यहाँ इस खाने में इकाई लिखी जाएगी, यहाँ सिर्फ दहाई लिखी जाएगी, और यहाँ सैकड़ा, हजार या जो भी आगे आता है वो लिखा जाएगा। तो जब हमने इसको हल किया तो हमें यहाँ पर 16 मिला, और इनको जब हमने हल किया तो हमें 48 मिला और यहाँ 36 मिला।
अब हम इस एक को यहाँ लेके आएंगे और चार को यहाँ लेके जाएंगे, तो हमको इस तरह से प्राप्त होगा कि जब यहाँ से एक को हमने हटाया तो यहाँ सिर्फ छः बचा, और वो एक 48 के साथ मिलकर 49 हुआ, और ये जो चार था जो 49 दहाई का चार सैकड़ा वाला हिस्सा दिखा रहा था वो उठ के यहाँ चला गया जो 36 सैकड़े के साथ। तो नई स्थिति हमको मिली, यहाँ से सिर्फ 6 बचा, यहाँ से ये 9 बचा, और चार को यहाँ जब हमने 36 के साथ जोड़ा तो 40 हुआ। तो इस तरह से जो हमको संख्या मिली उसमें हमें इकाई में 6, दहाई में 9, सैकड़े और हज़ार में क्रमशः 0 और 4 मिले, और जो संख्या हमें मिली वो मिली 4096। ये जो 4096 है वो आपकी संख्या है जो दी हुई थी 64, उसका वर्ग है। आप वैसे भी 64 में 64 का गुणा करिए, या जिन तरीकों का आपने अभी इसके पहले सीखा है उनका इस्तेमाल करके देखिए कि 64 का वर्ग इतना ही आता है जितना इस तरीके से आपको मिला। कोशिश कीजिए।